आप सभी का नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विजयवर्धन पांडे। आज मैं आपको चीड़ के ऐसे जंगल में आया हूँ जहाँ एशिया का सबसे बड़ा चीड़ का वृक्ष था, जो अब टूट के गिर गया था। आपको दिखाता हूँ मैं, उसके कुछ अवशेष यहाँ रखे गए हैं ताकि लोग समझ सके कि ये पेड़ कितना बड़ा था। इसकी जो साइज थी लगभग 60 मीटर से भी ज़्यादा थी, यानी उसकी ऊंचाई, और उसकी चौड़ाई 2 मीटर से भी ज़्यादा थी। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, जो एक बार दिखा दीजिए कि ये जो है देवता रेंज में आ रहा है। और इसकी जो दूरी है पुरला से 46 किलोमीटर है, उत्तरकाशी से 60 किलोमीटर, त्यूनी से 20 किलोमीटर लगभग। टॉस नदी किनारे पड़ रहा है ये, और इसकी जो ऊंचाई थी वो 60.65 मीटर थी और गोलाई 2.70 मीटर। और इसको भारत सरकार द्वारा इसको महावृक्ष घोषित किया था, चीड़ महावृक्ष। और ये 220 साल लगभग इसकी ऊंचाई थी, उसकी आयु थी लगभग 220 वर्ष। और ये आए 30 तूफान का टूट कर गिर गया था, जिसके अवशेष यहाँ रखे गए हैं। एक मैं चाहता हूँ कि बार फिर से जरा पूरे इस दिखा दिया जाए, इस पूरे जंगल को दिखा दिया जाए एक बार थोड़ा पूरा दिखा दीजिए वीडियो, एक बार वीडियो में दिखा दिए पूरा जंगल। और साथ में हमारे वन बीट अधिकारी नरेश जी भी हैं। नरेश जी, कुछ और इस बारे में जानकारी दें। हेलो, सभी लोगों का मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं डॉक्टर साहब और मिस डॉक्टर मैम का धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो हमारे इस जो हमारा टूर है, इस 2 दिन के टूर में हमने जिन छोटी छोटी चीज़ों को और बड़े बड़े हमारे पुरातत्विक स्थल से संबंधित या हमारी प्रकृति नेचर के जो एक अभिन्न अंग है उनसे मिले हैं। तो आज हमने देखा कि आपके जो टोंस नदी घाटी है, टोंस नदी आपके रवाई घाटी में पड़ती है, उत्तरकाशी के जिले में, आपका उत्तर भारत यानी मध्य हिमालय के अंतर्गत और वृद्ध हिमालय के बीच में ये क्षेत्र पड़ता है। उसमें हम क्रोला के मोरी में आपके देवदार रेंज पड़ता है, ये देवता रेंज पड़ता है। तो इसमें सबसे प्राचीन जो वृक्ष था, सबसे प्राचीन एशिया का सबसे बड़ा वृक्ष है। तो आज तक पुरातत्व स्थल ने इस वृक्ष की जो लंबाई है आपकी 60.1 मीटर मापी है। तो ये उसके जो नमूने रखे गए वो इस क्षेत्र में, तो अपने आप में ये नमूने हमारे आने वाली पीढ़ी को हम दे सकते हैं, जिसके लिए वन विभाग की जो एक नर्सरी टाइप में जो बनाया गया है, इसके लिए इसका संरक्षण किया गया। तो ये अपने आप में आपके भारत सरकार या उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इस कास्ट के नमूनों का हमारे लिए एक अद्भुत नज़ारा है, क्योंकि एक इतना लंबा वृक्ष होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्रकृति की हमें बहुत कुछ देने है, और उसकी बलयों के आधार पर इसकी 220 साल एज उम्र, और वो भी देवदार का वृक्ष होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और छोटा मोटा इतिहास इसके पीछे ये है कि इसपे कहा जाता है कि एक लेडीज थी, वो लेडीज ये है कि इसपे सुलटे तो ऊपर गई और उल्टे नीचे आई। अच्छा। और उल्टे नीचे आते आते उसकी क्या है, लास्ट में उसके प्राण आहत हो गए, क्योंकि इतने एक आपके 60 मीटर नीचे आना, उल्टे आना, उसको मतलब आंखों में खून का या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई होगी, क्योंकि लेडीज का पहले बॉडी क्या होती, काफी सॉफ्ट होती, नॉर्मल होती, जिस कारण कई चीजें हो सकती है। धन्यवाद, मैं अपनी बातों को विराम देते हुए पुनः डॉक्टर सर का धन्यवाद करूंगा, मैम का धन्यवाद करूंगा। आखिर में मैं यह बात बोलूंगा कि देखिए, हमारे वन विभाग अधिकारी जी नरेश जी जो ले आए हम लोगों को, उन्होंने कितनी अच्छी बातें बताई हम लोग को कि पेड़ कितना पुराना था। मैं अक्सर यही बात आप लोगों से करता हूं कि वृक्ष बचाना केवल वन विभाग का या किसी एनजीओ का या वैज्ञानिकों का ही काम नहीं है, ये सभी का काम है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि वृक्ष है तो जल है तो अन्न है तो जीवन है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।